हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज बच्चों हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटी। तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, और आज जो है तीनों वेलोसिटी के बीच रिलेशन स्थापित करेंगे, है ना। बोर्ड पर नज़र रखेंगे बच्चों, 100% आपको समझ में आएगा और इससे न्यूमेरिकल बहुत सारे बनेंगे, है ना। फॉर्मूला क्रिएट होगा और फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे रिलेशन रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी हो गया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड आर एम एस वेलोसिटी, यही तीन वेलोसिटी है बच्चों। ये तीनों के बीच हम लोग रिलेशन बनाएंगे, है ना। अब रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो तीनों का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 8 RT डिवाइडेड बाई पाई एम का अंडर रूट, है ना। एवरेज वेलोसिटी का सिंबल होता है। अब देखते हैं आर एम एस यानी यू इजकल टू 3 RT बाई एम। बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बैठाइए और आसानी से रिलेशन स्थापित कीजिए। ये दोनों का फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई आर एम एस वेलोसिटी, यानी हो जाएगा 8 RT डिवाइडेड बाई पाई एम, है ना, का अंडर रूट। इसको भी डिवाइडेड करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ऊपर चला जाएगा, एम डिवाइडेड बाई 3 RT का अंडर रूट। अब क्या करेंगे, RT से कैंसिल हो गया, RT m से ए भी m कैंसिल हो गया। अब वो बच गया आपका u डिवाइडेड बाई आर एम एस 8 और 3 पाई, यही आपका बच गया। पाई का वैल्यू भी जानते हैं, 22/7 यानी 3.14। कैलकुलेशन करेंगे आएगा 0.9215, जो भी आए, है ना, देख लीजिएगा। कैलकुलेशन तो करना है, यानी एवरेज वेलोसिटी का आ गया 0.9215 इंटू यू, है ना। ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज एवरेज वेलोसिटी इजकल टू 0.9215 इंटू आर एम एस वेलोसिटी, यही बच्चों रिलेशन बना। अब ये तो रिलेशन बना एवरेज वेलोसिटी और आर एम एस वेलोसिटी के बीच। अब हम लोग देख लेते हैं द एक्सप्रेशन एक्स प्रेशन फॉर द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, है ना। नज़र रखेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, है ना, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और न्यूमेरिकल भी ये सब टॉपिक से बच्चों आसानी से बनेगा, है ना। अब देख लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का सिंबल है वी एम पी इजकल टू 2 RT डिवाइडेड बाई एम का अंडर रूट। यू का यानी आर एम एस वेलोसिटी है 3 RT डिवाइडेड बाई एम का अंडर रूट, है ना। अब ये दोनों में रिलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वी एम पी डिवाइडेड बाई यू इजकल टू 2 RT बाई एम का अंडर रूट, आई ऊपर चला जाएगा यानी एम बाई 3 RT का अंडर रूट। एम से एम कैंसिल हो गया, आर टी से आर कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ बच गया वी एम पी
बाई यू बराबर टू बाई थ्री, और तो कुछ नहीं बचा है बच्चों, कट गया है ना, टू बाई थ्री, इसका अंडर रूट निकालेंगे 0.8165, यानी भी एम पी बराबर आ गया 0.8165 गुने यू, यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा 0.8165 इंटू आर एम एस वेलोसिटी, यही आपका बच्चों फॉर्मूला आया। तो बच्चों समझ में आया, बहुत ही आसान है, रेगुलर क्लास करते रहिए, कोई भी टॉपिक हो उस पर विशेष रूप से अध्ययन कीजिए, आसानी से आपको समझ में आएगा और कंसेप्ट क्लियर होगा, न्यूमेरिकल आपका आसानी से बनने लगेगा, और जब न्यूमेरिकल बनने लगेगा तो आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा और इच्छा करेगा बनाने का, है ना, इसलिए कंसेप्ट में निखार लाइए। और इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।